नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश के 3 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आज जारी सूची में प्रदेश से युद्धवीर टंडन, वीरेंद्र कुमार और अजय कुमार का नाम शामिल है। वहीं शिमला और चंबा जिले से चयनित ये शिक्षक 5 सितंबर को राष्ट्रीय भवन में सम्मानित किए जाएंगे। देश भर से 46 शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। प्रदेश से पहली बार 3 शिक्षकों को एक साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। शिक्षक वीरेंद्र कुमार जिला शिमला के सुन्नी तहसील के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धरोगड़ा में कार्यरत हैं। वहीं युद्धवीर टंडन जिला चंबा के प्राइमरी स्कूल अंगोरा में कार्यरत हैं। अजय कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग जिला शिमला में कार्यरत हैं। इनका चयन देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों की श्रेणी में हुआ है। हिमाचल प्रदेश को 2 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 नाम शिक्षा मंत्रालय को भेजे थे। बाइक पर 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले बवंडर बाबा मणि महेश दर्शन के लिए पहुंचे चंबा। बाइक पर 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले बवंडर बाबा आज मणि महेश के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो 21 फरवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से यात्रा पर निकले थे। अब तक 25 राज्यों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 7 सप्तपुरी की यात्रा की है। इन तीर्थ स्थानों की यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे दिसंबर 2023 में राम मंदिर के उद्घाटन में आए और भगवान राम की प्रतिमा की स्थापना के साक्षी बने। वह इस यात्रा के जरिए यह भी संदेश दे रहे हैं कि गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, अगरबत्ती, धूप और अखबार में भगवान की फोटो छपने से बाद उनका अपमान होता है, इसलिए इन उत्पादों पर भगवान के फोटो छपना बंद होने चाहिए। लोग इन उत्पादों का इस्तेमाल करने के बाद कूड़े में फेंक देते हैं, इससे भगवान के फोटो कूड़े के ढेर में पहुँच जाते हैं, इससे भगवान का अपमान होता है। शिमला में अब बच्चों को सिखा रहे हैं स्कूल मोबाइल की लत लगाना मत। कोरोना काल के दौरान स्कूलों की ओर से ऑनलाइन चलाई कक्षाओं के चलते कई विद्यार्थी मोबाइल के आदि हो गए हैं। अब इन विद्यार्थियों को इस लत से बाहर निकालने के लिए स्कूलों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर के कई स्कूलों में इसके लिए खास रणनीति अपनाई जा रही है। वहीं बात करें तो कोरोना काल में स्कूली छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई की बनी आदत को छुड़वाने के लिए शहर के निजी और सरकारी स्कूल कुछ खास रणनीति अपना रहे हैं। स्कूलों में गेट पर ही चेकिंग कर विद्यार्थियों के मोबाइल फ़ोन जब्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल की लत से निकालने के लिए विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। दूसरी ओर शिक्षक दावा कर रहे हैं कि वो बच्चों को मोबाइल की लत से बाहर निकालने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा ने 7 ब्लॉकों की कार्यकारिणी को किया भंग। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने गुटबाजी करने वाली 7 ब्लॉकों की कार्यकारिणी भंग कर दी है। विधानसभा चुनावों से पहले संगठन की मजबूती के लिए दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। अब 10 दिनों में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं को पदाधिकारी बनाया जाएगा। सिक्किम में कुनिहार का आईटीबीपी जवान शहीद सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में अजाडली पंचायत के बोकरा गांव के आईटीबीपी जवान देवराज 56 वर्षीय सिक्किम में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहीद हो गए। आज आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगे में लिपटी शहीद देवराज की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव बोकरा पहुंचाई। यहां सैनिक सम्मान के साथ गांव के शमशान घाट में शहीद को अंतिम विदाई दी गई। आईटीबीपी जवानों ने उन्हें सलामी दी, बेटे विनोद ने उन्हें मुखाग्नि दी। दूसरी ओर बात करें तो इस मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम थी। देवराज के परिवार में पत्नी सत्या देवी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं।
सभी बच्चों की शादी हो चुकी है, बेटा विनोद भी सेना में सेवाएं दे रहा है। शहीद देवराज मेहता 36 वर्षों से आईटीबीपी में सेवाएं दे रहे थे। ऊना में भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने किया स्वास्थ्य और शहीद सम्मान राशि की गारंटी का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए फ्री शिक्षा के बाद अब मुफ्त इलाज और शहादत पर आश्रितों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। ऊना के गालुवाल में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि आपके सत्ता में आने पर दिल्ली की तरह हिमाचल के हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम किया जाएगा। सभी दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त होंगे। दिल्ली की तरह हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। इस मानसून में अब तक 258 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में आज और 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 31 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। वहीं बात करें तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र से दूसरी किस्त 190 करोड़ रुपये मांगी जा रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह बने भाजपा के राज्य चुनाव प्रभारी, देवेंद्र सह प्रभारी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह को हिमाचल प्रदेश में पार्टी का प्रदेश चुनाव प्रभारी जबकि देवेंद्र राणा को सह प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा में ये संगठनात्मक नियुक्तियां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की है। 10 साल तक के बच्चों को टोमेटो फ्लू से बचाएं, अभी नहीं है इसकी दवा, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल सरकार ने टोमेटो फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। केरल, तमिलनाडु और हरियाणा में इस बीमारी के मरीज सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। टोमेटो फ्लू एक वायरस बीमारी है। यह बीमारी अन्य वायरस संक्रमणों के समान है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसमें बच्चों को बुखार और जोड़ों में दर्द होता है। अन्य वायरस संक्रमणों की तरह इस रोग में थकान, मतली, उल्टी, दस्त, बुखार, निर्जलीकरण, जोड़ों की सूजन, शरीर में दर्द और आम इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद शरीर में छोटे लाल धब्बे, छाले दिखाई देते हैं। बाद में यह अल्सर में बदल जाते हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस रोग का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि शिशुओं और छोटे बच्चों को गंदे हाथों से छूने और किसी चीज़ को सीधे मुँह में डालने से संक्रमण का खतरा होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से 10 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है। वयस्कों में भी यह बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।